भाई मैं आपको बोलूं, एक फेसबुक अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से आपके पैसे गायब कर सकता है। अब भाई आप सोच रहे होगे कितना पकाएगा, वीडियो स्किप करो, लेकिन नहीं, ये वीडियो आप पूरी देख लो, हो सकता है कांड आपके साथ भी हो जाए। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। मेरे फादर सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं बिकॉज ही इज इनटू मेनी वर्क, तो बाकी काम में बिजी थे, इतना ध्यान वगैरह देते नहीं हो कि क्या चल रहा है। यहाँ पे इन बिटवीन क्या हुआ वो सुनो आप स्टेप बाय स्टेप। चोर ने, स्कैमर ने मेरे फादर के फेसबुक अकाउंट की क्लोनिंग करी। क्लोनिंग करना कोई बड़ा काम नहीं है, आप किसी की फेसबुक अकाउंट पर जाओ, डीपी को चोरी करो, फोटो चोरी करो, उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी करो, ऐसे आप कितने भी फेसबुक अकाउंट बना सकते हो फेक ईमेल आईडी के थ्रू, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। चोर ने मेरे फादर की सेम फेसबुक आईडी बनाई और उस फेसबुक आईडी से बाकी सबको रिक्वेस्ट भेजी। उसने फाइंड आउट किया कि मेरे फादर के फ्रेंड लिस्ट में कितने फ्रेंड हैं और उन सारे दोस्तों को दोबारा से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अब ये खाली टाइम है, काफी लोग फेसबुक पे एक्टिव होंगे, सबने धड़ाधड़ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और इस तरीके से पापा के जितने भी रियल फ्रेंड थे वो अब फेक अकाउंट के भी फ्रेंड हो गए। मतलब कि कोई भी दोस्त अगर मेरे पापा की फेक प्रोफाइल खोल के देखता है तो उनको म्यूचुअल फ्रेंड व बहुत सारे दोस्त दिखेंगे कि भाई मेरे और मेरे फादर के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड बहुत ज्यादा है बिकॉज काफी लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद खेल शुरू होता है। यहाँ पे स्कैमर जाता है अपने फेसबुक मैसेंजर में और जितने भी फेसबुक फ्रेंड बने हैं अभी नए नए सबको एक मैसेज करता है कि भाई कोरोना का टाइम चल रहा है, मेरे को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, पैसे की कमी है, तो आप प्लीज मेरे अकाउंट में 5,000, 10,000 या मतलब अलग अलग मैसेज अलग अलग लोगों को भेजे। अब इस पे जितने लोगों ने उनको रिस्पॉन्ड किया वापस, मतलब जो लोग ऑनलाइन बैठे थे उन्होंने मैसेज का रिप्लाई कर दिया और वहाँ पे बोला कि हाँ जी मैं भेजता हूँ, कितना चाहिए। इसके बाद स्कैमर समझ गया कि भाई ये जो यूजर है एक्टिव है और ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो समझ गया कि इसको हम टारगेट कर सकते हैं। उसने भाई टारगेट को ये बोला कि मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, ये अकाउंट है, चाहे आप गूगल पे के थ्रू करो, फोन पे के थ्रू करो या पेटीएम कर दो। अब यहाँ पे बात आती है गोल्डविल की। बहुत सारे लोग आपके मैसेज को देख के रिस्पॉन्ड कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई आपके आपसी रिलेशन इतने ज्यादा अच्छे हैं कि मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, और जो यहाँ पे स्कैमर चाह रहा होता है वो काम कर देते हैं। उसने भाई वहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह भेजा और यहाँ पे धीरे से उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवा के अपने अकाउंट में ले लिया। अभी देखो ये सारा खेल जो होता है ना एक दो घंटे का होता है बिकॉज स्कैमर को भी पता होता है कि एक दो घंटे बाद किसी ना किसी को पता लग जाएगा, कोई ना कोई तो यहाँ पे ओरिजिनल फेसबुक प्रोफाइल वाले को कॉल कर ही देगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद, मतलब आधे घंटे बाद, मेरे फादर को फोन भी आने लगे कि भाई आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो कहाँ भेजू पैसे, ऐसे लोगों ने पूछा उनसे। मेरे फादर को तब जाके पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है उनके पीछे। फिर उन्होंने मेरे को बताया और यहाँ पे मैंने जल्दी जाके चेकआउट किया कि भाई इस टाइप की कोई फेक फेसबुक आईडी बनी हुई है। तो मैंने चेकआउट किया तो सेम मेरे फादर की जो फेसबुक प्रोफाइल है सेम टू सेम एक फेसबुक प्रोफाइल कॉपी होके फेक प्रोफाइल बनी हुई थी। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको फेक प्रोफाइल को जाके रिपोर्ट करना होता है। तो मैंने फेक प्रोफाइल को जाके रिपोर्ट किया लेकिन यहाँ पे कोरोना का टाइम चल रहा है तो फेसबुक ने भी यहाँ पे आगे से मैसेज दिया कि भाई कोरोना का टाइम है, हम इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ऐसे काम नहीं बनेगा, मैंने मेरे फादर की ओरिजिनल प्रोफाइल पे जाके फेक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट डाला और ये लिखा वहाँ पे वॉल पे कि भाई यहाँ पे कोई फेक प्रोफाइल वाला एक्टिव है जो सबसे पैसे मांग रहा है मेरे नाम पे, तो प्लीज कोई भी रिस्पॉन्ड ना करो। अब ये पूरा प्रोसेस आधे से एक घंटे का हुआ होगा लेकिन आधे से एक घंटे के अंदर उसने कुछ लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, स्कैमर ने अपना काम कर दिया। यहाँ पे 1 से 2 लोग जो हैं वो हो गए इसका शिकार, उन्होंने मतलब गुडविल के नाम पे कि भाई किसी ने मांगा है उनसे, पहली बार मांगा है जो भी है, या किसी को लगा कि भाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कोई जरूरत में हो सकता है, मतलब ऐसे सिंपथी में और मतलब गुडविल में आके पैसे ट्रांसफर कर दिए और उनके अकाउंट से पैसे जैसे ही गए स्कैमर के अकाउंट में, उसका काम हो गया, वो यहाँ से फरार। तो यार एक सिंपल सा केस था जिससे पता लगता है कि कैसे एक फेसबुक की फेक प्रोफाइल बना के कोई आपके बैंक से कैसे पैसा निकलवा सकता है, कैसे निकाल सकता है। मेरी ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था यार कि अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आ रहा है प्लीज डोंट रिएक्ट, बिकॉज अगर मेरे को किसी से पैसा मांगने होंगे, कोई भी फाइनेंशियल हेल्प या किसी टाइप की भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। इन केस अगर मैं इमरजेंसी में हूं तो डेफिनेटली मैं फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप तो नहीं करूंगा आपको, मैं आपको कॉल करूंगा और जिससे मैं फर्स्ट टाइम पैसा मांग रहा हूं डेफिनेटली मैं उसको कॉल करूंगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास कभी भी कोई ऐसी चीज आ रही है तो आप इसको रिएक्ट ना करो। इंस्टेड आपको फर्स्ट स्टेप होता है कि भाई जिसने आपसे कुछ भी हेल्प मांगी है आप उसको डायरेक्टली कॉल करो, बिकॉज अगर वो इमरजेंसी में है तो कॉल करने से बेहतर क्या हो सकता है। तो यार ऐसे ऐसे केस, ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं इंडिया में और मतलब ऐसे लोग सक्सेसफुल हो जा रहे हैं इन चीजों को करने में। तो यार ये था रियल केस, आई थॉट कि मैं आपके सामने वीडियो बनाऊं बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी एक केस है जिसके थ्रू कुछ साइबर क्राइम हो सकता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना अभी के अभी और वीडियो को शेयर कर देना आपके सारे दोस्तों के साथ कि उनको भी पता लगे कि यार ऐसा कुछ हो तो क्या करना चाहिए। वीडियो को करते खत्म, आगे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।